बिहार की नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। खासकर कोसी नदी में जिस तरह से पानी बढ़ा है, लगता है कि कुसहा त्रासदी जैसी कोई घटना न हो जाए और बिहार में एक बार फिर जल प्रलय जैसी स्थिति न हो जाए। नेपाल में भारी बारिश के परिणाम स्वरूप उत्तर बिहार के लगभग 12 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। निचले इलाकों में तो बाढ़ का पानी फैल भी चुका है। प्रशासन ने लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी है, जिसके कारण लोग अपने घर छोड़ रहे हैं। उत्तर बिहार में जल प्रलय की आहट ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बराज के सभी 56 गेट को खोल दिए गए हैं, जिसके बाद उत्तर बिहार में भीषण बाढ़ की आशंका बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रविवार की सुबह कोसी बराज में वाटर डिस्चार्ज स्टैटिक मोड में आ गया है। 6,61,000 वाटर डिस्चार्ज हो गया है। वहीं बराज क्षेत्र में भी वाटर डिस्चार्ज की स्थिति में स्थिरता आई है। बराह में 4,45,000 से डिस्चार्ज घट रहा है। दूसरी ओर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर भी दबाव घटने की खबर से थोड़ी राहत है। गंडक नदी में वाटर डिस्चार्ज 5.25 लाख क्यूसेक हो रहा है। वही नेपाल की नारायणी नदी भी धीरे धीरे शांत होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार के दोपहर बाद से देर शाम तक नेपाल के तराई इलाकों में बारिश में कमी आई है। बता दें कि इससे पहले कोसी बराज से बीते 56 सालों में सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद भी बराज पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा और इस कारण आवागमन भी रोकना पड़ गया। बता दें कि कोसी तटबंधों के बीच 9.50 क्यूसेक की प्रवाह क्षमता के लिए तटबंध की डिजाइन की गई थी। इससे पहले कोसी में अब तक का सर्वाधिक प्रवाह 9.13 लाख क्यूसेक 5 अक्टूबर 1968 के दिन देखा गया था। यहां यह भी बता दें कि वर्ष 2008 में कुसहा में जो तटबंध टूटा था वह 1.44 लाख क्यूसेक पर ही टूट गया था। वहीं दूसरी ओर वाल्मीकि नगर में गंडक बराज से शनिवार रात 10 बजे तक 5.62 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में भी बाढ़ का पानी सड़कों पर बहने लगा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान और गंगा नदी में उफान को देखते हुए बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि निचले इलाकों से ऊपरी क्षेत्रों में ठिकाना बना ले। इधर नेपाल में भारी बारिश के असर से 12 जिलों की 140 पंचायतों में 1,41,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालात और गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल से आने वाला पानी मैदानी इलाकों में तेजी से फैलने की आशंका है और बांधों पर भी दबाव बढ़ रहा है।